हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो यह हमारा लेक्चर 3 है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्केचिंग कंस्ट्रेंट और कमांड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्केचिंग की कुछ कमांड देखी थी और स्केच को बनाना सीखा था, किस तरह से स्केच क्रिएट करते हैं। अब उस स्केच को हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे या फिर लॉक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्केच को लॉक करने का काम हम लोग कंस्ट्रेंट से करते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग कंस्ट्रेंट, जब हम लोग स्केचिंग कंस्ट्रेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली आपको यहाँ पर जो डायमेंशन नजर आ रहे हैं, इस डायमेंशन को हमको लॉक करना होता है। अगर इसको लॉक नहीं करेंगे तो एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन के रेफरेंस में चेंज हो सकता है, राइट। अगर चेंज हो जाएगा तो आपकी ज्योमेट्री पूरी बिगड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 का डायमेंशन है और 20 के डायमेंशन को आपको चेंज करना है, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में 5 का रेडियस है या फिर कोई 50 का डायमेंशन है तो वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब वो पॉइंट में चेंज होगा लेकिन आपका उससे 3D चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो हम लोग नहीं करना चाहते, राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो स्केचिंग कंस्ट्रेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और एक होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। देखो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट मतलब होता है जो डायमेंशन से काम करता है, मतलब आप उसको डायमेंशन दोगे पर्टिकुलर कि 20 का डायमेंशन, 10 का डायमेंशन या फिर 15 का डायमेंशन, जितना भी डायमेंशन देना है, या फिर आप उसको रेडियस दे सकते हो, डायमीटर दे सकते हो, तो उससे वो कंस्ट्रेंट काम करेगा, राइट। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या काम करता है, जिस तरह से ज्योमेट्री रहेगी उसके हिसाब से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको हमको परपेंडिकुलर करना है या फिर पैरेलल करना है या फिर किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक कर्व दूसरे कर्व के रिस्पेक्ट में, मतलब किस तरह से जॉइंट है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, राइट। तो उसके उससे हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करके उसको लॉक कर सकते हैं, राइट। तो यह है डायमेंशन कंस्ट्रेंट एंड द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, इसका हम लोग इस्तेमाल देखने वाले हैं स्केचिंग में, राइट। तो चलिए तो स्केच कंस्ट्रेंट को समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्केच लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक पेन सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं एक स्केच क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक सर्कल क्रिएट किया लाइक दिस, ठीक है। सर्कल मैंने जो लिया है वो 100 के डायमेंशन का लिया है, राइट। अब मैंने इसमें डायमेंशन अभी डायरेक्टली दे दिया है, राइट, इसलिए ये ब्लू कलर का यहाँ पर आपको शो कर रहा है, राइट। अगर मैं इस डायमेंशन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तो अब ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे क्या नजर आ रहा है, स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट विथ वन ऑटो डायमेंशन, मतलब बेसिकली कंस्ट्रेंट तो है लेकिन ऑटो डायमेंशन के साथ। अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये बड़ा और छोटा हो सकता है, राइट। अब मान के चलो इसी तरह से मैं एक और स्केच क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, मैंने एक और स्केच क्रिएट करा और इस स्केच को मैं क्या करता हूँ, इसके साथ अटैच करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं इसको फ्रीली कहीं पर भी घुमा सकता हूँ, राइट, इसको मैं कहीं पर भी फ्रीली घुमा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये लॉक नहीं है, ये कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट। अगर मैं कोई भी ज्योमेट्री को अगर क्रिएट करूंगा, उसके लिए अगर मैं स्केच को बनाता हूँ तो भाई वो क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, राइट, अच्छी तरीके से लॉक होना चाहिए। तो भाई मैं क्या करता हूँ, एक स्केच क्रिएट करता हूँ, राइट। तो मैंने एक स्केच क्रिएट करा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे क्या करना है, डायमेंशन प्रोवाइड कराना है, राइट। मैं यहाँ से एक लेंथ लेता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और लाइन का भी मैंने कुछ भी डायमेंशन नहीं दिया अभी, राइट। तो अभी क्या है कि मान के चलो मैं अगर इसके साथ एक सर्कल को क्रिएट करूंगा तो इसका मैंने कोई भी डायमेंशन अभी डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं इस लेंथ को अगर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस लेंथ को अगर मैंने चेंज किया, इसको मैंने 100 कर लिया, तो ऊपर वाले डायमेंशन क्या हो गए, चेंज हो गए, देखो, राइट। कंट्रोल जेड करके फिर से एक बार करता हूँ, देखो 155 का था डायमेंशन, अब ये 63.5 का था। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो दूसरे डायमेंशन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। देखो जैसे 100 का करता हूं मैं, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कितने का हो गया, 41 का हो गया, और ये कितने का हो गया, 86 का हो गया, राइट। तो इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो एक डायमेंशन तो यहां पर लॉक हो गया, राइट। चलो तो अब इसको मैं लॉक करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले डी का इस्तेमाल करता हूं विच इज द रैपिड डायमेंशनिंग, राइट। तो डायमेंशन से हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे। तो मैंने डी जस्ट प्रेस किया तो मेरे पास क्या आया, रैपिड डायमेंशन वाला एक ऑप्शन आया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई कोई भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करो, यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट क्लिक करो, इसका क्या बताएगा, डायमेंशन बताएगा। क्लिक करता हूं मैं, अब इसके डायमेंशन में डिफाइन कर रहा हूँ बाय द डायमेंशन, राइट। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ, तो मैं इसको 100 का डायमेंशन दे देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये 40 का 1 का जो डायमेंशन है ना, इसको मैं देता हूँ 50 का डायमेंशन, यहाँ पर मैंने 50 का डायमेंशन दे दिया। और इसको क्या करता हूँ मैं 86 का डायमेंशन दे देता हूँ, 86 का डायमेंशन या 60 का डायमेंशन दे दिया, राइट। और थोड़ा सा ज्यादा देना भाई, 80 का डायमेंशन दे, थोड़ा बड़ा कर देते, राइट। तो ये क्या हो गया, अब लॉक हो गया। अब मैं जिस डायमेंशन को अगर चेंज करना चाहूंगा ना, मेरा वही डायमेंशन चेंज होगा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा डायमेंशन मेरा चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंस्ट्रेंट, हम लोगों ने क्या करा, डायमेंशन से इसको कंस्ट्रेंट करा। अब इसी तरह से मान के चलो कोई एक और स्केच में क्रिएट करता हूँ लाइक दिस,
ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसका एंगल है तो इसके एंगल को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये 45 का एंगल है, राइट। यहाँ पर क्लियर कर दिया डायरेक्टली, और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 90 mm की डिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं, राइट। देखो सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब इसके डायमेंशन भी डिफाइन नहीं है, अगर मैं ये वाला डायमेंशन अगर चेंज करूंगा ना, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 50 कर दिया, तो मेरा ये वाला डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने इसको दे दिया 50 एंड दिस इज द 30, राइट। और ये वाले डायमेंशन लाइन को मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देता हूँ, राइट। इस तरह से मैंने कर दिया अगेन, फिर मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मेरा क्या बन गया, एक स्केच बन के तैयार हो गया। तो मैं इसको स्केच को कंप्लीट कर लेता हूँ, ये मेरा स्केच बन गया। अब देखो यहाँ पर सभी को मैंने डायमेंशन के साथ डिफाइन कर दिया है, तो अब यहाँ पर नीचे लिखा ऑटो डायमेंशन नहीं आएगा, नीचे लिखा आएगा स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। तो ये हमने किससे डिफाइन करा, इसको डायमेंशन से डिफाइन करा, राइट। अब सेम चीज को अगर मैं फिर इसको फिनिश करके देखते तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट। अगेन फिर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस लाइन को भी मैं क्रिएट क्लिक कर देता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ से मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्केच विद द डायमेंशन। तो मैंने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया, डबल क्लिक करके देखो तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, अब कोई दूसरा स्केच लेते हैं, मैं कंट्रोल जेड करके सभी को हटा सकता हूँ, डिलीट भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने डायमेंशन लिए हैं ये, इसको मैं डिलीट कर दिया यहाँ से, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कंस्ट्रेंट करना है लेकिन विद द ज्योमेट्री, भाई इसकी भी ज्योमेट्री है, मतलब ये सर्कल है, राइट। उसी तरह से अगर मैं किसी रेक्टेंगल को लूंगा तो भाई ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो एक काम करता हूँ, और ये जो है वो यहाँ पर है लाइक दिस, यहाँ पर, राइट। तो मैंने बोला कि भाई इसको मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट करना। देखो अभी ये सभी घूम सकते हैं, राइट, इधर उधर। तो अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट करना। तो मैं सी दबाता हूँ, सी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन को समझने से पहले हम लोग इसको कंस्ट्रेंट करके देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। देखो ये वाली लाइन को मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना, राइट। तो मैंने इस लाइन के ऊपर क्लिक, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा ना, इसको मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, वन मिनट, कंट्रोल जेड करके फिर से करते हैं, सी दबाया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का निशान दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल करा, इस लाइन को मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, राइट। तो डायमेंशन की जरूरत नहीं है, एंगल की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो लाइन है या फिर ये वाला जो सर्कल है, इसको मैं इसके साथ क्या करता हूँ, टेंजेंट कर देता हूँ, राइट। तो इस पर मैंने क्लिक किया, राइट, टेंजेंट ले लिया मैंने, यहाँ से एक सिलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से सिलेक्ट किया मैंने, तो देखो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। मतलब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये भाई छोटा या बड़ा सर्कल हो सकता है, लेकिन ये इसके साथ क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, इसके साथ टेंजेंट कर दिया, राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग इसको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, राइट। अब मान के चलो इस पॉइंट को, इस पॉइंट के साथ मुझे क्या करना है, मुझे वर्टिकल करना है, राइट। मैं अगेन सी दबाया मैंने, यहाँ पर मेरे पास वर्टिकल ऑप्शन वाला ऑप्शन है ना, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर ये सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, राइट। चलो सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करा, शिफ्ट दबा के इसको हटा देते हैं एक बार फिर से, शिफ्ट दबा के इसको हटाए थे, इसकी जरूरत नहीं, हाँ ये सेकंड पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया इसके साथ, अब ये कहीं जाएगा नहीं, देखो अब इसको करने की कोशिश करो, ये छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन ये अब इसके साथ अलाइन हो चुका है वर्टिकली, राइट। तो अब इसका डायमेंशन देते हैं हम लोग, यहाँ पर 100 का डायमेंशन, और इसका भी मैं डायमेंशन देता हूँ, क्योंकि हमको फिर भी डायमेंशन तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, राइट। विदाउट डायमेंशन तो काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर मैं देता हूँ इसका 50 एंड अगेन दिस इज द 50 डायमेंशन, राइट। ये देखो, राइट, यहाँ पर मैं देता हूँ 100 का डायमेंशन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक फुल्ली कंस्ट्रेंट, इसके चीज फुल्ली कंस्ट्रेंट। अब मैं ज्योमेट्रिकल डायमेंशन को आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि भाई किस तरह से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सी अगर मैंने फिर से दबाया, मैंने क्या लिया, दो लाइन ले ली लाइक दिस, मैंने एक लाइन ये ले ली और दूसरी लाइन मैंने इस तरह से दूसरी लाइन ले ली, राइट। अब यहाँ पर अगर इस तरह से ब्लू कलर का अगर निशान आता है ना, तो उस पर राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हो, तो बेसिकली वो कंस्ट्रेंट लग जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। सी दबाया मैंने, मैं बोलता हूँ भाई एक, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉन्सिडेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और इस पॉइंट के साथ मैंने कॉन्सिडेंट कर दिया, मतलब क्या हुआ, दोनों जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, मतलब ये दोनों के साथ दोनों जुड़ चुके हैं, राइट। कंट्रोल जेड करके फिर से ही नहीं, दोनों लाइन, दो लाइन के ऊपर मैं काम करता हूँ, सी अगेन, देखो ये क्या होगा, पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है। मतलब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि इसका जो लाइन का जो ये पॉइंट है ना, ये हमेशा इस कर्व पे रहेगा,
ठीक है, मतलब आप दूर पे दूर भी ले जाओगे ना तो भी क्या रहेगा, इस कर्व पे रहने वाला है, राइट। तो ये क्या हुआ, ज्योमेट्री से हमने उसको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं स्केच को। अगेन मैंने सी दबाया, राइट। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, यहां पर इसको मुझे पैरेलल करना है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के पैरेलल मुझे इस लाइन को करना है, तो देखो ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी क्योंकि ये इसके पैरेलल है, राइट। तो सी दबाया मैंने, अब मैं क्या करता हूं इसके इसको पैरेलल कर देता हूं, ओनली पैरेलल, राइट। देखो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको क्या कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल कर दिया मैंने, ये रहा हॉरिजॉन्टल वाला निशान, देखो हॉरिजॉन्टल कर दिया, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी हो गया क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे, दोनों को दोनों लॉक था किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, बोल सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से लॉक था। कंट्रोल जेड फिर से करते हैं मैं, राइट। अब मेरे पास उसी तरह से सर्कल वाला मैंने आपको बताया, तो सी दबाया मैंने। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेंजेंट करना है तो मैंने टेंजेंट वाला ऑप्शन बताया आपको। अब मुझे कॉन्सेंट्रिक करना है, जैसे मैं कई सर्कल बना देता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल बनाया, दो सर्कल, तीन सर्कल। अब मैं बोलता हूँ भाई ये जो सर्कल है ये क्या है, एक पॉइंट पे क्या रहे, कॉन्सेंट्रिक रहे, मतलब सभी का सेंटर एक सेम रहे, राइट। तो मैंने सी दबाया और यहाँ पर देखो मैंने कॉन्सेंट्रिक वाला ऑप्शन लिया और एक पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, है ना, ये देखो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मतलब सर्कल को सिलेक्ट किया, फिर सेकंड सर्कल को सिलेक्ट कर दिया, देखो इसके क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अगेन मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, फिर इस सर्कल को फिर सिलेक्ट कर दिया, देखो इसके सेंटर में आ गया, फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मिनट, ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, देखो तो ये इनके सेंटर में आ गया, बीच में आ गया, मतलब सभी के सेंटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ज्योमेट्री को क्या कर सकते हो भाई, ज्योमेट्री को आप लॉक कर सकते हो। और किसी भी स्केच को लॉक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप उसका 3D बनाओगे उससे पहले, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक स्केच क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं एक स्केच बनाता हूं, देखो मैंने इस स्केच को डायरेक्ट मैं डायमेंशन देता हूं भाई, 100 का डायमेंशन है, ठीक है, 100 का देते हैं, 10 का डायमेंशन हो गया, चलो 100 का डायमेंशन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को बताएगा कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। अभी जैसे ये वर्टिकल है ना, अभी ये बता रहा है हॉरिजॉन्टल है, तो इसी तरह से मैंने इसको लाइन को क्लिक कर दिया, तो अभी डायमेंशन क्या बता रहा है, ऑटो डायमेंशन बता रहा है। अब मैंने इसको डायमेंशन दे दिया भाई, मैंने इसको डायमेंशन दे दिया 150 के आसपास, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये देखो, इसको इस तरह से मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से ये मैंने बोला था इसको हटाना है, हटा देते हैं भाई। अब मैंने क्या फिर से दबाया सी, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, सी दबाया और मैं क्या करता हूँ इसको इसके साथ इस तरह से अगेन फिर से इसको हटा देते हैं, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इसके साथ क्या हो गया भाई, ये टेंजेंट हो गया। अब फिर से ट्रिम दबाया मैंने, टी दबाया और इसको मैंने हटा दिया, देखो राइट। तो इस तरह से ये बन गया तैयार। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से मैं मिरर कमांड लेता हूँ और यहाँ से इसको मिरर कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब मान के चलो इसको मुझे क्या करना है, पैटर्न करना है, चलो पैटर्न कर देते हैं भाई। तो ये कमांड हम लोग देख चुके हैं, अगर नहीं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पिछले वाले लेक्चर में जाके एक बार इसको देखिए, राइट। तो यहाँ से मैं सिंगल कर्व लेता हूँ, इस पर क्लिक करा, मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, देखो इस तरह से, एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया, ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया। इसको क्या कर देते हैं, ट्रिम करना है, ट्रिम कर देते हैं भाई, इसको मैंने ट्रिम करा यहाँ से, देखो प्रॉब्लम आ रही है। अभी बेसिकली ये क्या है, ओवर कंस्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, स्केच एक दूसरे में क्या है, अभी ओवरलैप हो रहे हैं, दैट्स वाई ओवर कंस्टेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको यहीं पर मैं इस तरह से फिनिश कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक स्केच कंप्लीट हो गया विद द कंस्टेंट। अगर मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। तो जब भी आप किसी स्केच को क्रिएट करोगे तो वो हमेशा फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका स्केच फुल्ली कंस्टेंट नहीं है तो फिर आप उसको 3D नहीं बना पाओगे, राइट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।